तो क्या सच में महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट से संन्यास लेने जा रहे हैं? ऐसा हम नहीं, ऐसा कह रहे हैं ट्विटर का हैंडल जहां पे ट्रेंड कर रहा है धोनी रिटायर। तो क्या कुछ इस खबर की सच्चाई है, चलिए वीडियो में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी लंबे समय से टीम से दूरी बनाए हुए है। उन्होंने पिछले साल जुलाई में इंग्लैंड में खेले गए वर्ल्ड कप में आखिरी बार खेला था और इसके बाद उनके संन्यास की खबरें तेज हो गई थी। हालांकि उन्होंने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है, लेकिन इस विश्व स्तरीय टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में खेलने के बाद उन्होंने खुद को टीम के लिए अनुपलब्ध बताया और द्विपक्षीय सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं हुए। हालांकि उन्होंने कभी भी अपने संन्यास को लेके खुल के बात नहीं की। इसके बावजूद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि वे आईपीएल के मैदान में वापसी करेंगे, जिसके लिए उन्होंने प्रैक्टिस सेशन में शामिल होना शुरू भी कर दिया था। लेकिन कोरोना के वजह से आईपीएल के अनिश्चितकालीन टलने के बाद उनके वापसी पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। इसी को लेके कुछ अपोस्ट रिपोर्ट के आधार पे एक बार फिर से बुधवार को धोनी के संन्यास की चर्चा तेजी हो गई है। देखते देखते ही देर शाम तक ट्विटर पे उनके संन्यास को लेके खबरें वायरल होने लगी। इसे लेके माही के कुछ फैंस नाराज हुए तो वहीं कुछ फैन भावुक हो गए। अब आपको मैं कुछ ट्वीट दिखा रहा हूँ जो कि धोनी के सपोर्ट में किए गए हैं। ट्रोल स्टेज ट्रोल सेट ने किया है, उन्होंने लिखा है नालायको। हालांकि आपको बता दूं कि ये कुछ अभद्र शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है भावनात्मक में आके, और उन्होंने फिर हैशटैग धोनी रिटायर ट्रेंड करा के और फालतू के कमेंट करा के खुश हो रहे हो कमीनो, भूल गए वो शॉट, भूल गए जब धोनी धोनी चिल्लाते थे। साथ ही उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इन एवरी स्पोर्ट्स प्लेयर रिटायर एटलीस्ट डोंट फॉरगेट व्हाट ही हैड डिड फॉर द नेशन, रेस्पेक्ट हिज कंट्रीब्यूशन। एक न एक दिन सभी जो बेहतरीन क्रिकेट खिलाड़ी है उन्हें रिटायर होना होता ही है, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने इस देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए क्या कुछ दिया है। उसके बाद उनके अगले फ्रेंड्स है सुधांशु रंजन सिंह, वो ट्विटर पे ट्वीट करते हैं धोनी के सपोर्ट में, धोनी रिटायर इज ट्रेंडिंग ऑन सोशल मीडिया, ली थाला फैंस, आज मेरे दुख मेरी निराशा की कोई सीमा नहीं। इन्होंने महाराज दशरथ जी की तस्वीर लगाया है और उन्होंने उनके उस वाक्य को शेयर किया है, जब भगवान श्री राम वनवास जाते हैं तो दशरथ जी की मन की अभिव्यक्ति होती है। अगले मिस्टर अननोन है, ये लिखते हैं बट वी ऑल नो डेट धोनी, अभी तो और चलेगा। और इन्होंने कुछ तस्वीरें शेयर की है फिल्म की, जिसमें कि आप देख पा रहे हो रणबीर कपूर नजर आ रहे। इस तरह से धोनी के सपोर्ट्स में रोमना राजा जी ने ट्वीट किया है, धोनी ट्रेंड्स एवरी नाउ एंड धोनी फैंस, कभी किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। और इन्होंने प्रियंका चोपड़ा की इमेज लगाई है। तो इस तरह के धोनी के सपोर्ट में कुछ भावनात्मक ट्वीट आ रहे हैं, लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है यह भी आपको बता दूं। इस खबर की सच्चाई जो है उनकी पत्नी ने क्लियर किया है। आपको बता दें कि साक्षी सिंह रावत का भी ट्वीट आ गया है, उन्होंने ये लिखा है इट्स ओनली रूमर, यह एक महज अफवाह है। आई अंडरस्टैंड लॉकडाउन हैज मेड पीपल मेंटली अनस्टेबल, हैशटैग उन्होंने वही धोनी रिटायर को लिया है गेट अलाइव। तो धोनी फिलहाल जो है क्रिकेट से संन्यास नहीं ले रहे हैं, इसका खुलासा उनकी पत्नी साक्षी सिंह ने कर दिया है। तो ये खबर जो है धोनी के फ्रेंड्स के लिए अच्छी हो सकती है और खुशी वाली हो सकती है कि ये जो आप खबर देख पा रहे होंगे कि धोनी संन्यास ले रहे हैं, ये महज एक अफवाह है, इस पे ध्यान न दे और आप लोग खुश होइए और उम्मीद कीजिए कि धोनी जो है बहुत जल्द एक अच्छा क्रिकेट मैच खेल के आप लोग के लिए और देश के लिए योगदान देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा।